अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स एंड अ वेरी ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इसके साथ साथ आपकी ईद कैसी गुजरी आप काइंडली मुझे कमेंट में लिख के बता दें, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो पर जाके इसी पर कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बताती चलूँ, दैट्स मी आमना सुहेल। आई एम एक्चुअली अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। आजकल मैं जो है पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड और सक्सेसफुल और स्किलफुल लोगों को जो है लाइव सेशन उनका कंडक्ट कर रही हूँ, इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, जिसमें यूथ भी इंक्लूडेड है, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड है। तो इसी तरह से आज हम अपनी बहुत ही स्पेशल गेस्ट को वेलकम करेंगे जो पाकिस्तान की फर्स्ट एंड मोस्ट यंगेस्ट ग्रेफोलॉजिस्ट है, इसके साथ साथ ग्रेफोथेरेपिस्ट है और मेंटल हेल्थ एडवोकेट है, और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी सिर्फ 15 ईयर्स ओल्ड की एज में वर्किंग स्टार्ट की थी, और इसके साथ साथ शी वॉज दी ओनली यंगेस्ट इन हर ओ लेवल बैच। तो वेलकम करेंगे, शी इज नन अदर देन ओनली समन असलम। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच, इट्स आर ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर यस कमिंग सर। एंड गिविंग अस द टाइम। कैसी हैं समन आप, ईद मुबारक आपको अल्हम्द भी। खैर मुबारक, ईद मुबारक आपको भी। क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो समन, जैसे कि आप माशाल्लाह से ग्रेफोलॉजिस्ट हैं, ग्रेफोथेरेपिस्ट हैं, एंड बहुत सारे लोगों को इस फील्ड के बारे में नहीं पता होगा, अब काइंडली हाउ जी, वुड यू डिस्क्राइब दीज थिंग्स। ग्राफोलॉजी बेसिकली एक न्यूरो साइंस की फील्ड है। इट इज कनेक्टेड टू अ पर्सन्स ब्रेन। इट इज बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स इट एक राइटिंग की एनालिसिस करते हैं। राइटिंग के थ्रू इंसान के माइंड को इंसान के पर्सनालिटी को, करेक्टरिस्टिक, वो किस तरह फील और बिहेव करता है, रीजन क्या है उसका ये फील और बिहेव करने का, ये सब चीजें राइटिंग से पता चल जाती है। सो बेसिकली हैंड राइटिंग इज अ मिरर ऑफ अ पर्सन। तो जो हैंड राइटिंग है उससे हमें हर चीज पता चल सकती है। इंसान फ्यूचर नहीं, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर भी आप बता सकते हैं, लेकिन नहीं, फ्यूचर नहीं, पास से पास से पास पता चल सकता है। कुछ चाइल्डहुड में ऐसी चीजें हुई होती हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान होता है या डिस्टर्ब होता है, वो चीजें सारी पता चल सकती है, लेकिन फ्यूचर नहीं पता चल सकता। माशाल्लाह सवन, जो फील्ड है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है आपकी और बहुत ही यूनिक है। थैंक मतलब मुझे इससे पहले नहीं यू। पता था, जब तक मैंने आप तक अप्रोच नहीं की थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी फील्ड भी है। सो मेरा आपसे, मेरे व्यूअर्स का भी यकीनन जो भी सवाल है आप प्लीज कमेंट में लिख दें, हम समन से आज सवाल कैरी करेंगे और सीखेंगे कि होता क्या है। समन, ये फिर जो फील्ड है ग्रेफोलॉजिस्ट, ये जो है किसी की प्रोडक्शन के लिए होती है या किसी की मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए इम्प्लीमेंट होती है। मेंटल हेल्थ के लिए होती है बेसिकली। जी, मेंटल जिस तरह मालूम। जी, मैं आपको एक इजी वे है इसको समझाने का। जो फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी होती है वो बेसिकली सुसाइड नोट्स को पढ़ने में यूज होती है, सुसाइड नोट्स या रैंसम नोट्स। तो जिसकी वजह से पता चलता है कि इंसान वाकई डिप्रेस्ड है या ये फोर्स सुसाइड है, इस तरह से। तो इंसान की राइटिंग से आपकी पूरी मेंटल हेल्थ पता चल सकती है। तो इट इज कनेक्टेड टू इंसान का दिमाग, ओके एक्सीलेंट। तो ये जो या एंड डिग्री हेल्थ है एज मतलब वेल, इट्स सॉरी, एंड हेल्थ एज लाइक वेल। अ डिग्री, ये पाकिस्तान से नहीं अक्वायर की थी नहीं या पाकिस्तान में तो नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो अभी नहीं है, इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह कोशिश है आगे जो परेशानियां मुझे हुई हैं वो किसी और को ना हो। ये मैंने कैम्ब्रिज लंदन से मैंने की थी, कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी से मैंने की थी। तो मैं मुझे वहां पे मुझे बहुत टाइम लगा था। बेसिकली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप सऊदी हूँ, तो सऊदी अरेबिया में भी इसके कुछ भी नहीं था। सऊदी अरेबिया में अरेबिक से रिलेटेड था, बट सिंस अरेबिक में लैंग्वेज नहीं थी तो मुझे तो इंग्लिश में चाहिए था, तो इंग्लिश में मुझे फिर अब्रॉड की तरफ जाना पड़ा। ओके अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह। तो ये जो है एक और चीज है मेंटल हेल्थ एडवोकेट, हाउ वुड यू जी डिस्टिंग्विश एंड डिफाइन बोथ ग्रेफोलॉजिस्ट और ग्रेफोथेरेपिस्ट, यहाँ पे मेंटल हेल्थ एडवोकेट। मेंटल हेल्थ एडवोकेट इज बेसिकली इंसान के मेंटल हेल्थ को पढ़ना, उसको समझना, उसको गाइड करना और उसको ठीक करना, मतलब उसको क्योर करना। तो दिस इज मेंटल हेल्थ एडवोकेट में ये सब चीजें आती हैं। तो ग्राफोलॉजी इज समथिंग एल्स। ग्राफोलॉजी करके उसका एक्सपीरियंस लेकर उसको 5 साल प्रैक्टिस करके फिर मैं मेंटल हेल्थ एडवोकेट बनी हूँ, क्योंकि अब मैंने काफी लोगों को पढ़ लिया, ऑलमोस्ट 1000 राइटिंग्स मैंने पढ़ ली है अभी तक। तो अब मैं इंसान को गाइड भी कर सकती हूँ, थेरेपी कर सकती हूँ, दैट इज ग्राफोथेरेपी।
So this is called, this is why I wrote mental health advocate. Okay, माशाल्लाह समन, मुझे भी बहुत शौक है. अगर मैं अपनी राइटिंग आपको पिक्चर वगैरह के थ्रू भेजूं तो आप बता सकेंगी मेरी पर्सनालिटी और मेंटल मैं हेल्थ. आपको 2 मिनट में 5 चीजें बता दूंगी आपके बारे में. पांच चीजें. हाँ ठीक है, बस लाइव जी सेशन के बाद अभी फॉरवर्ड करते हैं प्लीज. बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल. इनफैक्ट जब मैंने जब ये जहाँ पे देखा था, नॉर्मली पीपल आस्क मी के आपको कहाँ से पता चला था इस चीज का, वो ऐसे ही पता चला था. मुझे अरबिक एक टीम आई थी हमारे स्कूल में, वहां मैं जॉब करती थी, तो उसमें वो टीम आई थी, उन्होंने हमें कहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख के दे. तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में बेसिकली हर अल्फाबेट आता है, तो तब लिखते हुए हमें हो रहा ठीक था कि ऐसे क्यों, लेकिन उस बिस्मिल्लाह से उन्होंने आई थिंक 7 चीजें हमें बताई थी. हर एक, मैं उस टाइम पे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर थी, तो हर किसी की उन्होंने 7 चीजें बताई थी, जिसकी जहां से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी. तो मैंने उस टाइम पे जो भी ओके पढ़ी थी वो सारा फिर मैंने छोड़ दिया है. आई वाज लाइक कि यही करना है. अमेजिंग अमेजिंग. तो मतलब दैट वाज द पॉइंट ऑफ इन योर लाइफ जहां पे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको ये चीज करनी है परस्यू अपने प्रोफेशन में. जी, वहां से मुझे पता चला कि दिस एग्जिस्ट, और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली. उसके बाद पढ़ाई का स्टार्ट मैंने बहुत देर से की थी, इंस्पिरेशन वहां से मिली. ओके अच्छा एक बेसिक सा सवाल है, हैंड जी राइटिंग जी एनालिसिस होता है एक, और एक एक ग्रेफोलॉजिस्ट होता है. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हैंड राइटिंग एनालिसिस में और. नहीं, बेसिकली ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है और ग्राफोलॉजिस्ट होता है. ओके तो ठीक है. जो हैंड राइटिंग एनालिसिस जो है वो दोनों कर सकते हैं. हैंड राइटिंग एनालिसिस, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट इज बेसिकली अ पर्सन जो वो देखते हैं कि अच्छाई किसकी राइटिंग है. उसमें थोड़ी सी लिमिटेड चीजें आ जाती हैं. जो ग्राफोलॉजिस्ट है, ग्राफोलॉजिस्ट एक पूरी स्टडी है, एक डॉक्टरेट ठीक पढ़ाई है, तो उसमें जो है वो इट इज मच 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 मोर देन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट. और इसी तरह सिग्नेचर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस्ट भी होते हैं. तो ग्राफोलॉजी में ओके okay. बेसिकली हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, सब कुछ एक साथ आता है. अच्छा और एक जी और बेसिक सवाल है कि मतलब जिसकी गुड हैंड राइटिंग होती है कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, और जिसकी बैड हैंड राइटिंग होती है उसकी पर्सनालिटी बुरी होगी, ऐसा होता है. नहीं, मुझसे नॉर्मली लोग यही बोलते हैं कि मेरी तो यार मेरी तो बहुत अजीब सी राइटिंग है, मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी होती मेरी है भी बहुत अजीब बेसिकली. सी राइटिंग है, बहुत अजीब है, मुझे यही समझ नहीं आती. नहीं, डिपेंड करता है कितनी अजीब है, क्योंकि इतनी अजीब है कि इंसान ड्रग एडिक्ट है, या इतनी अजीब है कि इंसान वैसे इसके माइंड में बहुत चीजें चल रही होती है. इंटेग्रिटी बुरी लेकिन आई एम नॉट एडिक्ट. अल्लाह रहम. टू सी दैट. नहीं, आई एम किडिंग. यू विल टेल मी आफ्टर द सेशन इंशाल्लाह कि ऐसा कुछ है, बट ऐसा अब जरूरी प्रैक्टिकली हो गया है. अब आपकी राइटिंग इतना बिल्कुल. जरूरी हो गया. नहीं, जो तो मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि इंसान के जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी राइटिंग कभी अच्छी नहीं होती. तो इट्स लाइक वो बहुत मेस्ड अप राइटिंग होती है. तो मेस्ड अप राइटिंग और मेस्ड अप इंसान के अंदर जो है ना बहुत पतला मार्जिन है, तो वो ग्राफोलॉजिस्ट जो है वो पता कर सकते हैं. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई किसी कोई और बता सकता है कि ये कितना मेस्ड अप है इंसान. ओके अच्छा मेरी है मेस्ड अप तो है राइटिंग. खैर मेरी राइटिंग को छोड़ते हैं. जब ये आपने फील्ड चूज की एंड यू डिसाइडेड टू डू दैट, तो आप व्हाट वुड यू से कि क्या था, सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, आपके रिलेटिव्स का क्या क्रिटिसिज्म था, एंड आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट की? हाउ कुड यू डिफाइन योर जर्नी? जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई वाज अर्निंग इनफ कि अगर मैं नहीं भी करती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. आई वाज ऑलरेडी अ कॉमर्स स्टूडेंट. तो जब मैंने ठीक है स्टार्ट किया था, मैंने अपने कॉमर्स को कम टाइम देना शुरू कर दिया. मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी, यार तुम पढ़ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा साल जाया हो रहा है. मुझे होता था कि मैं किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली इसका आगे कोई रास्ता नहीं था. सो बिफोर आई गॉट इन टू माई यूनिवर्सिटी, मुझे मैंने 2 साल इसको सेल्फ स्टडी किया. गूगल करके जो मुझे मिलता था मैं बस वो पढ़ लेती थी. मैंने 2 साल सेल्फ स्टडी किया, उसके बाद फिर मैंने जो है सर्टिफिकेशन उसके बाद लिए. तो क्योंकि मुझे शौक था तो मैं इसी में वो थी. तो फ्रेंड्स, मैंने किसी को बताया नहीं था बेसिकली. फैमिली को पता था, फैमिली ने कहा ठीक है. मेरी फैमिली माशाल्लाह काफी सपोर्टिव है. और रिलेटिव्स को किसी को पता नहीं था अंटिल मेरा हेलो के साथ इंटरव्यू पब्लिश हुआ. मेरे नॉर्मली ज्यादा लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जब इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो सॉरी इंटरव्यू 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 आप कह जब रही तक हैं ना पब्लिश इंटरव्यू. नहीं हुआ तब तक किसी को, ओके ज्यादा लोगों को नहीं पता था. ओके अमेजिंग.
ठीक है, उसके बाद फिर क्या रिएक्शन थे, एनी क्रिटिसिज्म या कोई आपने कुछ क्रिटिसिज्म फील किया? तो बहुत देखा है. जब मैं ये पढ़ती थी, जब इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद कौन क्रिटिसाइज करता है, यू नो कि आप लोगों के तरीके बदल जाते हैं बात करने के, लोग आपसे ज्यादा अच्छे से बात करते हैं. नहीं, उससे पहले बहुत ज्यादा मुझे लोग कहते थे तुम राइटिंग पे जादू करती हो, या तुम फ्यूचर बता सकती हो, तुम इस ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका स्कोप नहीं है, लड़कियों को तो वैसे भी ऐसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल को क्या पता क्या हो जाए, यू नो ऑल दैट, जो टिपिकल बातें होती हैं. तो वो बहुत ज्यादा सुनने को मिलती थी, और अपनी एज मेट से सुनने को मिलती थी, अपनी फ्रेंड से, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड होता है कि चलो बड़े एज के लोग कर रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा, कोई टिपिकल बंदा कर रहा है, अलग बात है, आपके फ्रेंड्स आपको ऐसी बात करें तो काफी वियर्ड होता है वो. एग्जैक्टली, इट्स रियली हार्ड टाइम, बट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आजकल भी सेशन कर रही हूँ, तो मैं छोटे बच्चों को, यूथ को, आप जैसे, मैं लेडीज को, फीमेल्स को देख रही हूँ. इट्स रियली इंस्पायरिंग कि आप अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, दुनिया की बातों को इग्नोर करके, दुनिया की चीजों को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके, स्ट्रांग रह के, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट और क्या हो सकता है. आप अपने फ्रेंड से क्रिटिसिज्म भी सुने और फिर भी यू अचीव वॉट यू वॉन्टेड. सो इट्स रियली अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग एंड गुड एफर्ट, जी. माशाल्लाह. बस तो इन, देखिए, इन, आ, बस यू नो पैशन होता है तो आपको, फिर मैं इनफैक्ट यही सोचती हूँ बच्चे, मैं अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर आपका, यू डोंट हैव टू फोर्स योर चाइल्ड कि वो एक स्पेसिफिक पढ़ाई करे, जिसका पैशन जिसमें उसको वो करवाए. मैं कॉमर्स में बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, मैं अपने स्कूल में भी बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, बहुत ज्यादा एवरेज. मेरी अगर टीचर्स देख रही होंगी तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि मुझे देख रही है. लेकिन मैं उसमें पास हुई, मैं फर्स्ट उसमें टॉपर रही हूँ अपने यूनिवर्सिटी में इन ग्राफोलॉजी. माशाल्लाह. ये यही होता है ना, इंटरेस्ट है एंड यू हैव अ पैशन, तो डेफिनेटली मतलब यू हैव टू अचीव, एंड जो आप जिस डायरेक्शन में, आपकी पसंद की डायरेक्शन है, तो बिल्कुल यकीनन. तो सो आगे बिल्कुल. चलते हैं. बीइंग अ वुमेन, आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करती हैं? वुमेन एम्पावरमेंट को मैं, इस्लाम ने ऑलरेडी इंसान, औरतों को इतने ज्यादा हुकूक दे दिए, इतने ज्यादा वैल्यू दे दी, इतने ज्यादा रिस्पेक्ट दी. अगर हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ लें तो आई बिलीव हमें कोई किसी राइट के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा. और हम में से आई थिंक हम लेडीज और जेंट्स दोनों को पढ़ना चाहिए कि इस्लाम में दोनों के क्या हुकूक है क्या नहीं है. तो वो अगर वो पता चल जाए, अगर आप दीन से आप अगर उसका नॉलेज हासिल करें, तो हमें दुनिया में ये वुमेन एम्पावरमेंट या इस चीज की जरूरत ना पड़े, औरत मार्च की, वुमेन एम्पावरमेंट की. आई बिलीव दिस इज माय ओपिनियन. लैक ऑफ नॉलेज है मेरे, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में. और मुझे, और जो लेडीज है, मैं चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स आती हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब बच्चियां आती हैं, टीनएजर्स खास तौर पे, जिनको ये होता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो बहुत क्रिएटिव होती हैं, वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं बट घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होते, स्पेशली उनके डैड्स. मेरे पास आई थिंक अब तक 10 लड़कियां आ चुकी हैं जिनका एक ही मसला है कि मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है. तो अगर कोई डैड ये वाली ये लाइव सेशन देख रहे हैं, तो आई वुड से कि प्लीज, लड़कों को तो सब मोटिवेट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, प्लीज लड़कियों को करें. और लड़कियां माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव हैं, एटलीस्ट ये वाली जेनरेशन माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव है. बहुत ही खूबसूरत बात थी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि लड़कियों के लिए फिर एक तो सबसे बड़ा मसला, मैं जो सोचती हूँ, समझती हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है, कि सबसे बड़ा मसला तब आता है जब लड़की अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेती है. जब लड़की डिसीजन, बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है कि इसने कैसे सोच लिया और इसने कैसे डिसीजन दे दिया. मतलब फैमिली सपोर्ट करती है तो पड़ोस में जो बैठे होंगे उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि इसने कैसे डिसीजन दे दिया. तो आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल लड़कियों को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में भी, बिल्कुल इफ दे आर फॉर द गुड कॉज. उसमें क्या है, एक और सवाल था मेरा, एक आपकी ग्रेफोलॉजी से ही था, मैंने लिटिल बिट थोड़ी सी रिसर्च की थी, मेरा क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, कि बी और डी ज्यादातर फोकस्ड होता है. मतलब जो इंसान बी जिस उससे दिखता है और डी जिस उससे दिखता है, तो उससे ज्यादा पता चलता है उसकी पर्सनैलिटी का. क्या ये है ऐसा? ग्राफोलॉजी में अगर सबसे ज्यादा यूज किया जाए, अल्फाबेट जो होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया, जिससे ज्यादा चीजें पता चल सकती है, वो है टी, टी एज इन टाइगर.
टी जो है इंसान के स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उससे हर चीज जो सबसे ज्यादा अगर आप कहती हैं वैसे तो हर अल्फाबेट से कुछ ना कुछ पता चल सकता है, लेकिन अगर जिससे सबसे ज्यादा पता चलता है वो है टी, और डी और बी से भी चीजें पता चल सकती है, बट वो एक काफी डिटेल्ड टॉपिक है, तो फिलहाल मैं कहूंगी टी इज द अल्फाबेट। ओके ठीक है, हाँ हाँ लिटिल नॉलेज है मेरी तो, मुझे पता नहीं है तो इधर उधर नहीं से, तो नहीं कोई मसला नहीं, आपने डेफिनेटली थैंक यू, मुझे तो पता चला कि टी इज दैट बेसिक जी वर्ड जहां से पता चल। टी स्पाइनल अच्छा कॉर्ड से इसके साथ, रिलेटेड है जी। ओके इसके साथ जब वुमेन एम्पावरमेंट में हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं, कि आप मुझे बताएं कि हाउ वन वुमेन शुड सपोर्ट या व्हाट एक्शन शुड अ वुमेन डू फॉर द इन द सपोर्ट ऑफ अदर वुमेन, हाँ मतलब ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से अगर हम बात करें शादी से रिलेटेड, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक मदर को अपनी बेटी को शादी से पहले, या एटलीस्ट नॉट लाइक शादी ओनली, जनरली एक पूरा एथिक्स देने चाहिए जो इस्लाम ने दिए, और सारे राइट्स बताने चाहिए, और उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सास की है, जो एक मदर की, जो अपने बेटे को बातें बताए कि एक औरत को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर दो मदर्स अपने बच्चों को अच्छे से वो करती हैं, तो आई थिंक दैट शादी विल वर्क आउट। नॉर्मली ये होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत की दुश्मन जो है ज्यादातर एक औरत ही होती है। दिस इज माय ओपिनियन। आई डोंट नो आप दूसरों को क्या लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत के लिए वैसा सोचे जैसा जो सोचना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो औरत मार्च या किसी भी चीज की जरूरत पड़े, क्योंकि औरतों को वैसे भी इस्लाम ने बहुत ज्यादा हुकूक दिए हैं कि वाई फाइट फॉर इट। समन, बिल्कुल मेरा ओपिनियन भी आपके जैसा ही है, बचपन से ही है आप समझे, जब चलो से मुझे, हाँ हम मेरा ओपिनियन भी बिल्कुल यही है, मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ से कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम ही अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें और यूनिटी के साथ करें ना, तो लिटरली एम्पावरमेंट कहने की भी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल लेट डाउन भी वही करते हैं। अगर आप किसी वर्क प्लेस में कर लें, तो एक दूसरे के ऊपर होता है ना कि एक दूसरे को पीछे करके आगे आना, वो भी औरतें ही ज्यादा कर रही होती हैं। क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यही चीज मैंने थी। लेडीज के साथ भी जॉब की हुई है, मैंने मेल के साथ भी ऑफिस में जॉब की हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन जो लेडीज की पॉलिटिक्स होती है वो बहुत चीप होती है, तो आदमियों के साथ जॉब जॉब करने वाली पॉलिटिक्स थोड़ी डिफरेंट होती है। चलो आपका माइंड ग्रो होता है, आपको नई चीजें पता चलती है, लेडीज वाली एग्जैक्टली जी, जी सॉरी। नहीं इट्स ओके okay. जी तो यही मसला है लेडीज के, बिल्कुल आई कैन रिलेट टू इट, आई कैन रिलेट टू इट, आई एम एवरीवन आल्सो कैन अ रिलेट है, एवरीवन कैन एग्जैक्टली बिल्कुल रिलेट। एग्जैक्टली, जो मतलब एक होता है ना ईगो कहते हैं या वो हसद कहते हैं, नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरे इंसान से, आपको कुछ नहीं नहीं होना कह चाहिए। सकते, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते क्या क्या वजह है पीछे। हम दुआ ही कर सकते हैं कि हर कोई, और हम ये इसी तरह से सेशंस करके हम थोड़ी अवेयरनेस फैला सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। सपोर्ट। अगर आप जी देखा जाए 10 years back अगर आप देखें, तो इतना ज्यादा औरतों को बोलने का हक नहीं था। अब बहुत चीजें बदल चुकी हैं, और बहुत खुशी होती है औरतों को बात करते हुए देखना, वह सब उनको अप्रिशिएट करना, और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक वक्त बदलते हैं बहुत अच्छा लगता है, वक्त बदलता हुआ देख के बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल बिल्कुल समान, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जी 15 years की जो आपने मुझे बताई कि मैंने भी इंट्रोडक्शन दिया कि यू हैव स्टार्टेड योर करियर, सॉरी प्रोफेशनलिज्म इन 15 years ओनली, तो उसकी जर्नी थोड़ी आप बताएं प्लीज, बिकॉज बहुत ही यंग एज है माशाल्लाह से जब से आपने स्टार्ट किया, जी जी इंस्पायरिंग टू। थैंक यू जी। ऐसा था कि मैंने ओ लेवल्स जब किया था, तो मैं 14 की थी, तो जब मुझे जहाँ पे मुझे ए लेवल्स आगे करना था, और उसके लिए आई वाज एडवाइज्ड कि एटलीस्ट 2 साल रुक जाओ, जब तक 16 की नहीं हो जाते तब तक मत करना। तो मेरी फैमिली ने सोचा ओके 16 तक वेट करते हैं, तो 6 months की ज्यादा से ज्यादा मैं वेट नहीं कर सकी, क्योंकि घर पे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद फिर कभी छोड़ी ही नहीं। उसके बाद फिर 5 years मैंने स्कूल में जॉब की, उसके बाद ऑफिस एज एन इंग्लिश डिपार्टमेंट मैनेजर भी मैंने जॉब की। काफी मेरी ग्राफोलॉजी से हट के भी काफी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, अच्छा हाँ डिफरेंट माशाल्लाह अच्छी एक्सपीरियंस। चीज भी है,
इन दिस वे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा यकीनन इतनी एज से करना. एग्जैक्टली. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर मैं आपसे पूछूं वन पर्सन बता दें या यू कैन टेल टू पर्सन एज मतलब जैसा है सिचुएशन के मुताबिक हु वॉज दैट वन पर्सन हु सपोर्टेड यू इन योर ड्रीम्स एंड गोल्स. इट वॉज मी. सबसे पहले इट वॉज लिटरली मी, क्योंकि अगर मेरा बिलीव नहीं होता तो कोई और सपोर्ट नहीं करता. और इसके बाद मेरी पूरी फैमिली मतलब मेरे पेरेंट्स और सब, उनका जो करना है कर रहा, आपको इट्स अप टू यू, योर डिसीजंस आर वी विल प्रेस्ट ऑन योर डिसीजंस. तो किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज मी जो सब मैंने किया सब कुछ. और अगर देखा जाए तो ग्राफोलॉजी आई हैड नो वन टू लुक अप टू एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो इट वाज नो वन आई वाज लुकिंग अप टू. ओके नहीं इट्स मतलब एक ब्रेवरी वाला जवाब है जो आई वाज एक्सपेक्टिंग. सिर्फ जवाब नहीं एक्सपीरियंस है, तो अभी तो जवाब है, एक्सपीरियंस है कई सालों का. एक्सपीरियंस से आप बोल रही हैं यकीनन. जी तो माशाल्लाह से. Or any message you want to give to the youth or to other persons of your age or parents ke liye message? Parents ke liye main ye message dena chahungi ki please apne dost apne bachon se doston ki tarah rahein, especially fathers please. Na aapke bacche phir kal ko kisi aur ke paas jayenge apne mental health ke liye. It's better to teach them, it's better to be kind to them. Youth ke liye main ye kahungi ki stop wasting yourself. अगर आप कुछ ऐसा करें जिसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, एंड स्टार्ट थिंकिंग प्रोडक्टिव, क्योंकि ये दुनिया प्रोडक्टिव लोगों से चलती है जो अपना टाइम मत जाया करें, और थिंक क्रिएटिव. बस यही कहूंगी. एंड टू एवरीवन बी काइंड.